चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं और अब जानते हैं कि सभी राशियों पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो शनि के वक्री चाल का मेष राशि वालों पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही इन्हें शनि के वक्री होने के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, चलिए देखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 राशि वालों के लिए कुंभ राशि में शनि का वक्रत्व क्या फल देने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करें मेष राशि से। आज रात में 10:56 पर शनि देव कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, जो मेष राशि से एकादश भाव है। एकादश भाव आमदनी का स्थान कहा जाता है। तो जब वहाँ शनि देव वक्री होंगे तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा इस सिद्धांत पे कह रहा हूँ। त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे छठवें ग्यारहवें स्थान में अगर पापक ग्रह बकरी हो जाते हैं तो उस राशि को फायदा करते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। सेविंग्स करने के लिए, बचत करने के लिए 140 दिन का समय आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। लोगों से आपके संपर्क भी बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके विद्या भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो मेहनत बिना किए तो सफलता नहीं मिलेगी। इस समय आपके शरीर में विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए इसी समय तो आलस्य को भगाने की जरूरत है। और संतान से जुड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर बकरी शनि की पूरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो शनिदेव से शुभ लाभ पाने के लिए किसी भी तरह का, पहली बात तो गलत काम ना करें, गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा न बने, अपने छवि को हर समय सुधारने की कोशिश करें और हर शनिवार नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान करें और किसी जरूरतमंद को तवा, चिमटा, कड़ाही, छाता, जो भी शनि की वस्तुएं हैं, यथासंभव आप शनिवार को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज रात शनि वक्री होने वाले हैं, ऐसे में वृषभ राशि वालों पर शनि शुभ दृष्टि डालेंगे या अशुभ, साथ ही शनि की इस उल्टी चाल के चलते वृषभ राशि वालों को किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, आज रात 10:56 पर शनि देव अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। बकरी होने के बाद शनि देव सबसे पहले आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि आपके दशम भाव में बकरी हो रहे हैं। आपके राशि पर इनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए आप तो बच गए, बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और हर गलत फहमी भी दूर होगी, वैवाहिक जीवन से कलेश दूर होगा। शनि देव आपको नए वाहन का सुख भी दिलाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा और बकरी शनि से आपको धन लाभ भी हो सकता है, आपका कारोबार रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन शारीरिक थकान भी परेशान कर सकती है और परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। तो बकरी शनि 140 दिन तक आपका तनाव भी बढ़ा सकते हैं। शनि देव के शुभ लाभ पाने के लिए मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शनिवार को 4 बजे शाम दूध और गंगा जल से धो करके धारण करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने घर में काम करने वाले नौकरों से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आज रात शनिदेव की चाल उल्टी हो जाएगी, ऐसे में शनि की वक्री चाल का मिथुन राशि वालों के करियर, बैंक बैलेंस, सेहत और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि आज रात में 10:56 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, तो इनके वक्री होने का मिथुन राशि के जातकों के ऊपर तो अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि से भाग्य स्थान में शनि देव वक्री होंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वक्री शनि आपको विदेश की सैर भी करा सकते हैं। शनि के वक्री होने से मिथुन राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, शनिदेव आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, माता पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शनिदेव से शुभ लाभ पाने के लिए आपको शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, उड़द की दाल के बड़े या चावल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों में बांटना चाहिए, और घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। तो शनि की वक्री चाल कर्क राशि वालों की किन मुश्किलों को और बढ़ा सकती है, इनकी सेहत, बैंक बैलेंस और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, साथ ही घर बैठे शनिदेव के कौन से उपाय करने से कर्क राशि वालों का कभी भी अमंगल नहीं होगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातक ये जान लें कि शनि देव आपके मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं आज रात 10:56 पर। कर्क राशि वाले एक बात और जान लें, मृत्यु भाव का नाम सुन करके कहीं आपके मन में डर तो नहीं आया? अगर आया है तो डर निकाल दीजिए, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के यदि कर्क लग्न या कर्क राशि हो और कुंभ राशि का शनि हो तो ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीता है, उसका जीवन 100 वर्षों का होता है। तो इसलिए सेहत पर तो बुरा असर डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बकरी हो रहे हैं। कमर के निचले हिस्से पर चोट चपेट लग सकती है, खासकर अगर आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं तो सावधान रहिएगा 140 दिन तक। आपकी छोटी सी भी भूल आपको विकलांग बना सकती है। कमर दर्द की समस्या सताएगी, कानूनी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं, आपके मान सम्मान की भी क्षति हो सकती है। ऑफिस में अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आपको अपेक्षा होगी, तो भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, और शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए रोज शनि मृत्युंजय स्त्रोत का पाठ करिएगा, ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल, जूते और काले कपड़े दान करिएगा, सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करिएगा, शनि मंदिर में शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करिएगा, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रात शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं, यानी शनि अब सीधी नहीं बल्कि कुंभ राशि में उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव की ये उल्टी चाल किस राशि पर बरसाएगी कृपा और किसको कर सकती है परेशान, यही आज बता रहे हैं हमें पंडित जी। तो चलिए अब बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों की क्या किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहने की जरूरत है, साथ ही शनिदेव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर आज करने होंगे, चलिए जानते हैं पंडित जी से। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके सप्तम भाव में 7वें स्थान में शनि देव रात को 10:56 पर वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब उल्टी चाल चलेंगे, रोग भाव की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, और दूसरा जो होगा वो आमदनी का नया रास्ता खुलेगा, और तीसरा बिजनेस में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं।
नई नौकरी के लिए किसी टेक्निकल कंपनी से बुलावा आ सकता है। बकरी शनि आपकी शादी में थोड़ा सा विलंब करा सकते हैं, क्योंकि विवाह भाव में हैं और विवाह भाव का शनि विलंब कराता ही है। 140 दिनों तक साझेदारी में किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए। जोड़ों का दर्द आपको बहुत परेशान कर सकता है। शनि आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। एक तो आपकी क्वालिटी है कि आपकी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का दोष नहीं है, एक गुण है, लेकिन आप किसी के अधीन होकर के अपने प्रतिभा को दिखा नहीं पाते हैं। जितना आप स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, स्व अनुशासन में जितना आप अच्छा काम करते हैं, उतना आप किसी के गाइडेंस में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बकरी शनि जब आपके सातवें भाव में होगा और उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी तो काम में रुकावट भी पैदा हो सकती है। ऐसे में विचलित नहीं होना है। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए काले कुत्ते को तेल लगी रोटी जरूर खिलाइएगा और शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं कुष्ठ आश्रम में दान करिएगा शनिवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब कन्या राशि की कर लें, यानी आज रात जब शनिदेव उल्टी चाल चलने वाले हैं, ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या इनको संभल कर रहने की जरूरत है। शनिदेव की इस चाल के चलते कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके रोग और शत्रु स्थान में शनिदेव आज रात 10:56 पर बकरी हो जाएंगे। तो बकरी शनि कन्या राशि के कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभकारी रहेंगे, क्योंकि छठे का शनि बुरा नहीं होता है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रमोशन का योग बन रहा है, ऑफिस में आपकी बनाई हुई योजनाओं से बड़ा लाभ होगा। बिजनेस में कोई डील पक्की हो सकती है, फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। 140 दिन तक यात्रा करते हुए आपको हर क्षण सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बकरी शनि आपकी इनकम तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आप इस समय परिवार को फुल टाइम भी दे पाएंगे। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सायंकाल करना चाहिए और शनि कवच का पाठ करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, काली चींटियों को आटा डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की कर लेते हैं, तो शनि की वक्री चाल तुला राशि वालों को सुख देगी या दुख, नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा इनका फ्यूचर, साथ ही इन दिनों इन्हें किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में जब शनिदेव आते हैं तब तो अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं, और कहते हैं कि आपके राशि में शनि देव अगर 10 डिग्री पर रहें तो चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं, और आपके राशि वालों को शनि देव जल्दी दुख भी नहीं देते हैं क्योंकि वो उनका बड़ा उच्च का स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके इस समय पंचम भाव में उपासना और संतान के भाव में शनि देव रात 10:56 पर बकरी हो रहे हैं, तो भाई आपको तो तरक्की ही कराएंगे, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। तकनीकी क्षेत्र में किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको नई नौकरी मिल सकती है, कारोबार में भी खूब आमदनी बढ़ेगी,
और सीनियर से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अहंकार या अति आत्मविश्वास में आकर के परिवार के लोगों के अगेंस्ट जाकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना भविष्य में पछताना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि माँ को शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है। माँ को नसों में खिंचाव, हड्डियों में रोग हो सकता है, नसों की भी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव मिल सकता है। बकरी शनि विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बकरी हो रहे हैं तो आलस्य के कारण पढ़ाई का वो वेग नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में उड़द की दाल चढ़ाएं, शनि मृत्युंजय स्त्रोत के 11 पाठ करें, जरूरतमंद लोगों को दूध दही चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, यानी शनि देव की वक्री चाल वृश्चिक राशि वालों पर कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती है, साथ ही शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख स्थान में अर्थात चतुर्थ भाव में शनि देव आज रात 10:56 पर बकरी हो जाएंगे, और ये बकरत्व आपका संघर्ष बढ़ाएगा। जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियों को भी बकरी शनि बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डील की बात चल रही है तो उसमें अड़चन आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता का सबब बन सकती है। 140 दिनों तक पैसों के लेन देन में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इन 140 दिनों में आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके भावुकता का लाभ कुछ लोग उठा सकते हैं। आपको किसी से कर्ज लेकर के किसी की सहायता नहीं करनी है। बकरी शनि धन हानि भी करा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि भावुकता में आकर के न तो किसी की गारंटी करिएगा और न ही किसी से कर्ज दिलवाइएगा किसी को, वरना मुसीबत आपके गले पड़ेगी। बकरी शनि की स्थिति में वृश्चिक राशि वाले फिजूल की यात्रा भी ना करें और हर काम को धैर्य से करें, पेशेंस से करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम आपको नुकसान पहुंचाएगा। 140 दिन कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके बिजनेस में बड़ा मुनाफा भी होगा। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों को सरसों का तेल दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का आपको 140 दिनों तक 108 बार रोज प्रातःकाल जप करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन भूल करके भी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की चेष्टा मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात धनु राशि की कर लेते हैं, यानी शनि की वक्री चाल धनु राशि वालों को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, साथ ही आने वाले दिन इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, शनि देव की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए देखते हैं। देखिए, धनु राशि से तृतीय भाव में शनि देव रात 10:56 पर वक्री हो जाएंगे। धनु राशि का यह है पराक्रम का स्थान, तो अगर पराक्रम के स्थान में शनि देव बकरी होंगे तो निश्चित रूप से कुछ शुभ फल देंगे। शनि के बकरी होने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके काम की वाहवाही होगी, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और लाभ भी मिलेगा।
बकरी शनि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगा। आपकी ऊर्जा में एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा। विदेश जाने का योग बनेगा। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। किसी को चप्पल या जूते दान करना चाहिए। हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो शनिदेव की वक्री चाल मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? नौकरी, कारोबार, सेहत और परिवार के लिहाज से इनके आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब हम मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मकर राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं रात 10:56 पर। देखिए, बकरी शनि आपको धन लाभ तो कराएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। नई नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। पुरानी नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। लेकिन ईमानदारी से अपना काम करिए। किसी के साथ बिल्कुल चीटिंग धोखाधड़ी करने की जरा सी भी कोशिश मत करिए। परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है, जिसका आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय बिल्कुल सही है। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनि स्त्रोत का पाठ करें और शनिवार का व्रत करें। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें, इससे आपको निःसंदेह लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं। अब ऐसे में शनिदेव की वक्री चाल कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? नौकरी, कारोबार, सेहत और परिवार के लिहाज से कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, आइए देखते हैं। बक्री शनि आपको सामान्य फल देंगे, क्योंकि आपके ही राशि में ये बक्री हो रहे हैं और ये आपकी राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए ना तो 7:30 में ये आपको तकलीफ देते हैं और ना ही बकरी होने पर ही ये आपको कमज़ोर करेंगे। हाँ, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। बीमारियों पर, पारिवारिक बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है। और यदि आप मशीनरी का काम करते हैं तो मशीनरी में तोड़ फोड़ हो सकता है, उसमें खर्च बढ़ सकता है। शादी की बातचीत के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने गुस्से पर काबू रखिए, इसी में आपकी भलाई है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सरकार से भी आपको बड़ा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिए। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए नीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए। उड़द के आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, इससे आपको निःसंदेह लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की सेहत, करियर और रिश्तों पर वक्री शनिदेव का क्या असर होगा? साथ ही वक्री शनिदेव के अशुभ फल से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए देखते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में शनिदेव आज रात 10:56 पर बकरी हो जाएंगे। देखो भैया, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, थोड़ी सी मुसीबत बढ़ने वाली है। 140 दिनों तक कोई नया काम शुरू मत करिए, वरना आपका डिसीजन गलत होगा और नुकसान होगा। नए कारोबार के लिए भी कोई योजना मत बनाइए, क्योंकि योजना में कोई ऐसी गलती आप कर जाएंगे जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और यदि आप अभी तक कमोडिटी और शेयर मार्केट का काम करते थे, तो अब जरा सोच समझ करके काम करिए। भाग्य के भरोसे नहीं, बुद्धि से काम करिए। निवेश किया हुआ आपका पैसा भी फंस सकता है।
और जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में आकर के कोई डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिए, और वाहन चलाते समय चिंता मुक्त रहिए और सावधानी से वाहन चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का भी योग बन रहा है। बकरी शनि आपके वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट ला सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लीजिए, शांत रहिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, घमंड से बचिए। शनि देव से शुभ लाभ पाने के लिए शनिवार को मजदूरों को कपड़ा दान करिए, अपने घर से फटे और खराब जूते निकालकर कूड़े में डाल दीजिए, शनिवार को काला छाता किसी धर्म स्थान में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये तो हमें राशि अनुसार बता दिया, लेकिन जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं तो क्या असर उन पर पड़ सकता है, वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं तो शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी राशि के लोगों को बता रहा हूँ एक अचूक उपाय। शनिवार की शाम को आप कहीं भी रहें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे करिए, और ओम संघ शनश्चराय नमः इस मंत्र को 108 बार बोलिए, और घर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपकी शनिदेव से रक्षा करें और एकदम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ठेरे उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार।